मैं सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करने के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, इसके अंदर हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करोगे अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी है। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अगर आपने कोई भी गलती कर रखी है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उसको एडिट कर लेना है। और यहाँ पे लास्ट डेट आपकी क्या मेंशन करी गई, आपकी साइट पे 29 मेंशन करी गई, यानी कि 29 जुलाई जो है एडिट करने की आपकी लास्ट डेट है मिडनाइट तक। इसके बाद आपको कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो एक बार सही तरीके से सोच समझ के आपको एडिट वगैरह कर लेना है। जैसे आप डन कर दोगे तो आपको दोबारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट ने रिजल्ट अवेटेड कर रखा था, रिजल्ट अवेटेड का मतलब तो समझते हैं ना आप, जिनने भी अपना मार्क्स वगैरह फिल नहीं किया हुआ था, चाहे वो 10th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो, मतलब यहाँ पे जो भी आपने क्वालिफिकेशन फिल कर रखी हो, तो आपको दोबारा से उन क्वालिफिकेशन की मार्क्स जो है उसको फिल कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे मैं आपको सही तरीके से बताता हूँ किस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट आपको करना कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपको रिफ्रेश कर लेना है। जैसे स्टूडेंट आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे एक पोर्टल ओपन होगा। हम थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम 6 अगस्त को है, यहाँ पे मेंशन करा गया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यह मेरे अकॉर्डिंग इसके चेंज होने के कम ही चांस है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे भैया क्या यह आगे बढ़ सकता है क्या, तो बहुत कम ही चांस है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार रखो। मैंने आपको मैथ्स की, साइंस की, रीजनिंग की सभी की वीडियोस प्रोवाइड करा रखी है। कुछ कुछ चैप्टर रह गए, हम जल्दी आपको बहुत सारा कंप्लीट करा देंगे। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ आने, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए क्या मेंशन है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, ऑल द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट देयर एप्लीकेशन फॉर्म, जिनने भी एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर रखा है, यहाँ पे मेंशन किया है कि आर अलाउड टू अपडेट और एडिट देयर क्लास 10th 12th डिप्लोमा ITI। ठीक है, इसको आपको एडिट कर लेना मार्क्स वगैरह को। ये इन्होंने मेंशन किया 29 जुलाई तक, यानी कि मिडनाइट तक। यहाँ पे आपको करना कि सबसे पहले मोर वाले ऑप्शन पे जाना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको एडिट करना होगा। तो मोर वाले ऑप्शन पे चले गए, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लो। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखिए साइन इन का, तो साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना मेल डालना होगा, जिस मेल से आपने रजिस्टर करा था, तो हम यहाँ पे मेल डाल लेते हैं। जैसे आप मेल फिल करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपको इसको डेस्कटॉप साइट पे अनेबल कर लेना होगा। जैसे स्टूडेंट आप इसको डेस्कटॉप साइट पे अनेबल करोगे तो इस तरीके से आपके पास ये ओपन हो जाएगा। आपको आना है यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे। जैसे माई एप्लीकेशन पे आप आ जाइएगा तो माई एप्लीकेशन पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देखिए एडिट का एक ऑप्शन आ रखा है, यहाँ पे देख रहे हो ना आप, इस तरीके से एडिट का ऑप्शन है। ये तो प्रीव्यू का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है, ये आपका एडिट का ऑप्शन है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट आप क्लिक करोगे तो इसके पास यहाँ पे एक ऐसा मैसेज आएगा, इसको ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है। इन्होंने मेंशन किया कि कैंडिडेट प्लीज नोट आफ्टर मेकिंग एनी चेंजेस, देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है। अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो तो यहाँ पे मेंशन किया है कि यू नीड टू प्रेस सेव एंड प्रोसीड, आपको सेव एंड प्रोसीड पर जरूर क्लिक करना है। ऑन ऑल पेजेस कन्फर्म एंड गेट प्रीव्यू एट द एंड ऑफ कंप्लीटिशन और योर एडिटिंग इफ यू डू नॉट, यानी कि इन्होंने मैंशन किया इफ़ यू डू नॉट डू दिस योर फॉर्म मे बी रिजेक्टेड। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंशन की है इन्होंने, बोला कि अगर आप कोई भी एडिटिंग वगैरह करते हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी एडिट कर रहे हो तो एडिट करने के बाद आपको जितने भी पेजेस आएंगे उन सभी को सेव एंड प्रोसीड करना है, और लास्ट में आके आपको कन्फर्म करना है और कन्फर्म और प्रीव्यू जनरेट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, छोड़ देते हो बीच में, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंशन कर रखा है, राइट। और यहाँ पे बोल रखा है कि एडिट करने के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, कोई भी आपको पेमेंट वगैरह नहीं देना है। और जिनको भी एडिट नहीं करना है, जिनका मतलब फॉर्म वगैरह बिल्कुल ठीक है, उनको कुछ भी एडिट नहीं करना है, तो मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ पे कैंसिल करिएगा इसको, ऐसे छोड़ दीजिएगा, ये आपका बिल्कुल कन्फर्म है। अगर आप एक बार इसके ऊपर क्लिक कर दोगे ओके के ऊपर, तो आपको एडिट वाला ऑप्शन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या एडिट करना है आप ये सोचिएगा। जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन डिटेल में आ गए, एप्लीकेंट डिटेल में आ गए, तो जैसे आप आ जाओगे तो यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग नाम तो नहीं चेंज हो सकता। देखिए नाम नहीं चेंज हो सकता, तो क्या चेंज नहीं हो सकता, नाम नहीं चेंज हो सकता, फादर नेम नहीं चेंज हो सकता, मदर नेम नहीं चेंज हो सकता, DOB चेंज नहीं हो सकती आप लोगों की, जेंडर बिल्कुल चेंज नहीं। यहाँ पे देखो ये जो बाकी ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, मतलब अगर आप चाहो तो ये जनरल जो था इसको आप चेंज कर सकते हो। तो वेल स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है उसको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप देखते हो, तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। जितनी भी चीज़ें मेंशन है ना, वो सारा कुछ आप चेंज कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ आपकी चेंज हो सकती
हो सकती है, जो चेंज नहीं हो सकती थी मैंने आपको बता दिया। आपको नीचे की तरफ आना है, कुछ भी अगर आपने गलती कर रखी है यहाँ पे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी फ़ोन नंबर वगैरह जो भी आपका डिटेल वगैरह हो गया, या फिर आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है तो आपको यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे येस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर आपके पास है तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा बाद में उसको सिलेक्ट करने का, तो आप वहाँ से कर सकते हो। मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, अभी नो करके रखता हूँ उसको। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर है। आपको नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड करना होगा, ठीक है, अगर आपने एडिट कर लिया तो। अब उसको एडिट करने के बाद अगर आपको यहाँ भी एडिट कुछ भी करना है, जैसे ये फोटोग्राफ सिग्नेचर, अगर आपको इसको एडिट करना है, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, फोटो वही लगाना जो आपके पास रियल हो। मतलब रियल का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो आपका अभी टाइम का हो, मतलब प्रेजेंट टाइम का हो, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा तो आप सभी का फेस को स्कैन करेगा आपके कैमरे से ही, तो अगर आपसे इससे मैच नहीं हुआ ना तो आप सबका एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो ऑन ही नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को आपको क्लियर रखना है, राइट। तो यहाँ पे देख के आप कर सकते हो चेंज, यहाँ पे आया है ना आपका चूज फाइल का ऑप्शन, तो यहाँ से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपका ये ठीक है तो आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड करना है, जबरदस्ती नहीं करना। अगर आपको लगता है चेंज करना है तभी चेंज करो, वरना आप सेव एंड प्रोसीड कर दो। यहाँ पे एजुकेशन डिटेल, जिसने भी रिजल्ट अपडेटेड कर रखा था, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना जो भी आपका बोर्ड था, वो बहुत सारे बोर्ड हैं यहाँ पे, कब पास हुए यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे अभी आपको जुलाई में रिजल्ट आया तो जुलाई वाले कर लोगे यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे कब सन क्या था तो सन को यहाँ पे डाल दोगे 2022, ठीक है, जो भी सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पे। फिर कहाँ पे था आपका सेंटर, ठीक है, सेंटर कहाँ था स्कूल का, तो ये आपको डाल लेना है दिल्ली, जैसे हमने डाल रखा है। फिर यहाँ पे क्या था आपका, परसेंटेज आए या फिर CGPA आए, तो हमारे परसेंटेज आए तो परसेंटेज आपको फिल कर लेना है। कितने मार्क्स आए टोटल, आपको यहाँ टोटल मार्क्स डालना है। फिर यहाँ पे टोटल कितने में से आए थे, कितने में से आए थे उसको डालना है। फिर जो परसेंटेज आए थे उसको आपको डाल देना है यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है। बाकी अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करना है, पिन कोड डाल लेना है स्कूल का, यहाँ पे जो आपका स्कूल है वो क्या था, सरकारी था, मतलब कि गवर्नमेंट था, पब्लिक था या फिर प्राइवेट था, क्या था, आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। बाकी इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे आप नो कर लीजिएगा। बाकी रिजल्ट अपडेटेड तो अब नहीं है ना, तो इसको हटा लीजिएगा। यहाँ पे आप देख लेना है आपको ये जो आपकी फीस वगैरह थी ना लास्ट स्कूल की, उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है बस। जिनने भी टेंथ के बेस पर फॉर्म भरा है, बस आपको इतना ही करना है भाई लोग, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब तो क्लियर है आपको। बाकी अगर किसी ने ट्वेल्थ के बेस पर भी फॉर्म भरा है तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस है, सेम चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया, राइट। जैसे अगर आपका ये बिल्कुल ठीक है तो आपको क्या करना है, आप नीचे की तरफ आना है, सेवन प्रोसीड कर देना है। जैसे यहाँ पे सेवन प्रोसीड करते हो तो यहाँ पे देखो क्या मेंशन किया है, इनने बोला कि एजुकेशन डिटेल को आप सही से देख लीजिए, क्योंकि इसको एडिट करने का ऑप्शन आपके पास दोबारा नहीं आएगा, आप दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे, तो ओके पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो आपको फिल करना होगा। वन सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे देखिए जो जो आपके पास सब्जेक्ट है ना, जैसे मेरे पास हिंदी था, इंग्लिश था, मैथमेटिक्स था, साइंस था, सोशल साइंस था, संस्कृत था, और यहाँ पे देख सकते हो बाकी जो कंपलसरी थे मैंने कंपलसरी डाल दिया, जो ऑप्शनल था मेरे पास संस्कृत तो संस्कृत मैंने ऑप्शनल डाल दिया, 100-100 नंबर के थे टोटल मेरे जितने मार्क्स हैं मैंने वो फिल कर दिया, बस आसान चीज़ है। फिर आपको क्या करना है, आप नीचे की तरफ आना है, फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, आपके पास फिर क्लास ट्वेल्थ के लिए, अगर आपने क्लास ट्वेल्थ नहीं कर रखी है, मतलब जिनकी क्वालिफिकेशन क्लास ट्वेल्थ की है, जिनने फॉर्म क्लास ट्वेल्थ के बेस पर भर रखा है, उन्हीं को ही फिल करना है ना, बाकी किसी को नहीं करना, तो सेव एंड प्रोसीड कर देना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो सेव एंड प्रोसीड करने के बाद एक्स्ट्रा करिकुलम अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, कोई भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और आपके पास नहीं है तो सिलेक्ट ही रहने दीजिए। यहाँ पे आप सेव एंड यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज कर दीजिएगा, तो यहाँ पे हम प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज कर देंगे। जैसे स्टैंड आप कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा है कि अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। जैसे यहाँ पे क्या मेंशन है, देखिए इन्होंने मेंशन किया है कि आपको जो क्लास टेंथ का जो सर्टिफिकेट है ना वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अपलोड करने की लिंक है, ठीक है। तो आपको करना कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल फाइल जो भी आपके आ जाएगी, फिर यहाँ से आपको अपलोड कर लें, फिर सेवन प्रोसीड कर देना है। तो हमारे पास तो यह है, तो हम क्या करते हैं, एक बार मैं इसको आप ऊपर आपको क्लिक करता हूँ। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो ओरिजिनल पे क्लिक करोगे, प्रोविजनल है जैसे आपका नेट का निकला हुआ है तो आपको यहाँ पर प्रोविजनल पर रख के आपको क्या कर देना है, आगे प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रोसीड कर देते हैं। जैसे इसको प्रोसीड करोगे तो प्रोसीड करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, फिर आपको यहाँ से अपने कोर्स को सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप देख सकते हो कोर्स आपके पास मेंशन है, ठीक है, तो जो भी आपका कोर्स होगा इसको आप मेंशन कर दीजिएगा। मेरे पास ये कोर्स लेना है, मुझे फुल टाइम डिप्लोमा, तो मैं सिर्फ फुल टाइम डिप्लोमा के लिए जाऊंगा। अगर मुझे कोई और सा भी कोर्स करना है, जैसे मुझे फार्मेसी करना है या फिर पार्ट टाइम के लिए या फिर लेटरल एंट्री के लिए, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका दिखाएगा कि एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने क्लास ट्वेल्थ की क्वालिफिकेशन नहीं है ना, इसलिए चीज़ें क्लियर है आपको। अगर आपको कोई और भी कोर्स मतलब कोर्स अगर फिल करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मान लो आपको लेटरल एंट्री का भी करना है तो ट्वेल्थ वाला अपना डिटेल फिल कर दो, यहाँ से लेटरल एंट्री सिलेक्ट कर लो, राइट। फिर इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आप टेंथ क्लास के बेस पर भर रहे हो तो सिर्फ आप फुल टाइम डिप्लोमा रहने दोगे। ये देखो प्रीव्यू का ऑप्शन आ चुका है, इस फॉर्म को आपको एक दोबारा से चेक
करना है एक बार। जैसे आप इसको चेक कर लोगे तो आपको क्या करना है, इस वाले इस पर क्लिक करना है, फिर आपको करना है कन्फर्म एंड सबमिट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप जैसे ही कर लोगे ना आपको इसका प्रिंट निकाल के रख लेना है भाई, इसके बाद आपको कोई भी प्रोसेस आगे नहीं करना है। ठीक है, मैं अभी इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें समझानी होंगी बीच बीच में, तो इसके ऊपर क्योंकि मुझे और भी वीडियोस करनी होगी ताकि आपको कुछ कुछ चीज़ें मैं और बता सकूँ, क्योंकि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाया। तो मैं अभी आपको इसको कन्फर्म एंड सबमिट नहीं कर रहा हूँ भाई, लेकिन आप लोगों को कन्फर्म एंड सबमिट हमेशा करना है, लिखा हुआ है वहाँ पर, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप प्लीज़ कर लीजिएगा, मैं आपको वीडियो में बता दे रहा हूँ, वरना फिर बाद में मत बोलना कि भाई आपने वीडियो में आपने नहीं किया तो हमने भी नहीं किया। प्लीज़ आप सब कन्फर्म एंड सबमिट जरूर कर लो, क्योंकि ये फॉर्म अधूरा माना जाएगा, फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो कन्फर्म एंड सबमिट करके प्रिंट जरूर निकाल के रख लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे होम पे आ जाता हूँ, होम पे आने पर मैं अभी इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर है जो जो मैंने चीज़ें बताई है, राइट। तो फाइनली स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया किस तरीके से आपको एडिट वगैरह करना है, कोई भी पेमेंट वगैरह आपको नहीं करनी होगी, जितनी भी चीज़ें बताई है प्लीज़ अच्छे तरीके से देख के कर लीजिएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।